हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट. ठीक है ना, लास्ट क्लास में हमने थ्योरी कवर किया था. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. ठीक है, तो एक बार तुम लोग करो ट्राई, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ. तो क्या करेंगे हम, हमें पता है ए डॉट बी इज व्हाट, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. अब हम ये वैल्यूज इधर रख देते हैं, तो वी विल गेट कॉस थीटा बिकॉज वी नो ए डॉट बी. ए डॉट बी कल कैसे बताया था मैंने, जैसे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू. अगर मान लो मेरे वेक्टर हैं ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, एंड बी वेक्टर है मेरा ए टू आई कैप बी टू जे कैप सी टू के कैप. तो ए डॉट बी क्या होता है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू. सो इस आई के साथ जो लिखा है, इधर जो आई के साथ लिखा है, उन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज थ्री माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर, थ्री इंटू वन प्लस थ्री, दिस इज इक्वल टू मॉड ए. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इंटू मॉड बी, अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. तो यू कैन सी यू विल गेट कॉस थीटा फ्रॉम हियर. निकाल लेते हैं पूरा, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस फोर टेन डिवाइडेड बाय दिस इज नाइन प्लस फोर थर्टीन प्लस वन फोर्टीन, तो ये हो गया रूट फोर्टीन. और इधर हमारा अगेन सेम थिंग, नाइन प्लस फोर 13 प्लस 1 14, तो इस रूट रूट हट गया, तो वी आर गेटिंग 10 बाय 14 इज माय कॉस थीटा. तो ये 5 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 बाय 7. अब हम इसको कैसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 बाय 7. दिस इज व्हाट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. आई होप क्लियर हुआ होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसको कॉपी करो. अच्छा एक काम करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, छोटा सा पार्ट, उसको और कवर कर लेता हूँ मैं. ठीक है ना, कल थियरी में हल्का सा पार्ट छूटा हुआ था, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन फिर कंटिन्यू करते हैं. तो क्या है, पहले लिख लो प्रोजेक्शन वेक्टर. टॉपिक इज प्रोजेक्शन या फिर प्रोजेक्शन वेक्टर. इसका मतलब क्या है पहले वो समझेंगे. ठीक है, देखा ध्यान से सुनना, पहले हम समझा रहे हैं उसके बाद फिर लिखवाऊंगा मैं. मैंने कहा लेट्स से दिस इज माय वेक्टर बी एंड लेट्स से दिस इज माय वेक्टर ए. ठीक है ना. अच्छा इससे पहले एक चीज़ और छोटी सी, प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी तुम्हें बताया, एक बार क्विक रिव्यू करते हैं प्रोजेक्शन मतलब होता क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये लाइन है मेरी, ठीक है ना, कोई भी लाइन है वेक्टर वॉट एवर, एंड लेट्स से दिस इज सम लाइन सेगमेंट या फिर वेक्टर है, कुछ भी समझ लो. अब मैंने बोला इस लाइन का प्रोजेक्शन ऑन दिस लाइन क्या होगा, क्या करते हैं, इधर से परपेंडिकुलर डाला यहाँ आके गिरा, इधर से परपेंडिकुलर डाला इधर आके गिरा, तो दिस मच लेंथ, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन. किसका प्रोजेक्शन, लेट से मैं इसको वेक्टर ए बोल रहा हूँ, इसको वेक्टर बी बोल रहा हूँ, तो ये जो लेंथ आया, दिस लेंथ इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, अलोंग वेक्टर बी, या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं प्रोजेक्शन की जगह कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, लिख लो इसको, और कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए. ठीक है ना, ये जो लेंथ होगा ये होगा हमारा प्रोजेक्शन लेंथ. और अगर वेक्टर होगा, अगर मैं इसको वेक्टर बनाना चाहूँ तो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो आ जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर. देखो प्रोजेक्शन मतलब तो क्या हो गया, लेंथ, प्रोजेक्शन मतलब लेंथ, और प्रोजेक्शन वेक्टर मतलब वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर. ठीक है ना, मतलब दिस इज स्केलर एंड दिस इज अ वेक्टर, मतलब एक बार हमें लेंथ मिल गया ये, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके आई विल गेट दैट वेक्टर, गेटिंग इट. तो अब आते हैं इस पार्ट पे. ठीक है ना, अब मैंने बोला कि मेरे को एक वेक्टर दिया है ए, उसका प्रोजेक्शन निकालना है मुझे वेक्टर बी पे. तो बहुत ही सिंपल है, लेट्स से दिस इज माय वेक्टर बी एंड लेट्स से दिस इज माय वेक्टर ए. ठीक है, तो मैंने प्रोजेक्शन कैसे बोला कि हम ये जो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है मुझे वेक्टर बी पे, तो हम क्या करेंगे, उसके टॉप से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे. मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मच लेंथ, ये जो लेंथ है दिस इज व्हाट माय प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का वेक्टर बी पे. नाउ यू कैन सी कि इफ दिस एंगल इज थीटा, लेट्स से मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ फॉर्मूला, ध्यान से देखना, इफ लेट्स से दिस एंगल इज थीटा देन दिस मेरा ये लेंथ कितना हो जाएगा, लेट्स से मैं इसको नेम कर देता हूँ ए बी सी इस ट्रायंगल को.
So this is what AB cos theta. This is what my projection. किसका projection properly लिखना? Projection of vector A along vector B. A का projection B पे. This much length. Getting it? अच्छा. अब क्या करें? अब देखना. अब मैं cos theta जहाँ भी तुम्हें दिखे दिखाई दे, तो हमारे दिमाग में क्या फील आनी चाहिए? The presence of cos theta may imply application of dot product. If you want to note this point, you can make a note. Keep ऐसे लिख लो, presence of cos theta may imply application of dot product. Very important note, application of dot product. ठीक है, presence of cos theta. तो अब मैं इस cos theta को क्या करूंगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के टर्म्स में लिखूंगा. कैसे? आप देखना, ए बी तो मैंने ये लिखा ही हुआ है. ए बी, ए बी मीन्स लेंथ, नॉट द वेक्टर. मैं ए बी बात कर रहा हूँ लेंथ की. तो ए बी cos theta. अब cos theta को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपली ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. क्योंकि मुझे पता है ए डॉट बी क्या होता है. A dot B is A mod A mod B into cos theta. तो cos theta क्या हो जाएगा? वो mod A mod B इसके नीचे लेके आऊंगा, तो what I will get? A dot B divided mod A mod B. अच्छा, अब मैंने बोला कि जो mod A है, from this diagram, can you see what is mod A? It is nothing but length AB only. मैं बोल रहा हूँ mod of vector A, from this diagram we can say this is nothing but line AB only. तो AB है मेरा segment, that is nothing but magnitude of vector A. तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया. अब इसको देखो, हम और स्मार्ट तरीके से लिखेंगे. अब b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना होता है? ये b के अलोंग यूनिट वेक्टर, दैट इज b कैप. तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, वेक्टर a डॉट b कैप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. क्या करना है हमें, जैसे a वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है b पे, तो हमें b के केवल यूनिट वेक्टर से मतलब है. हम क्या करेंगे, a डॉट b कैप. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई तो वेक्टर ये है, तो मुझे इसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन लेना है. लेंथ की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने वेक्टर नहीं लिखा. दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेंथ है स्केलर क्वांटिटी. अभी मैं इसको वेक्टर बनाऊंगा, अब मैंने बोला कि ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है, तो ए डॉट बी कैप, जिसके ऊपर निकालना है ना, उसका तो केवल हमें डायरेक्शन से मतलब है. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट से दिस वेक्टर इज सी, मुझे लेट से दिस वेक्टर इज डी, तो सी का डी पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो सी डॉट डी कैप, जिसके भी ऊपर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर लेना है हमें. उसके केवल डायरेक्शन से मतलब है, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है. गेटिंग इट? तो ये तो हो गया हमारा, क्या बोला मैंने, बी सी लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन. लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन किसका प्रोजेक्शन? वेक्टर ए का वेक्टर बी पे. अब हम इस वेक्टर को लिखना चाह रहे हैं, ये तो हो गया लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन. अब मैं इस वेक्टर को कैसे लिखूं? तो देखना, मेरे पास ये आ गया, ये क्या है मेरा लेंथ. अब मैंने कहा कि मुझे ये वेक्टर चाहिए, मैं एक डायग्राम हटा देता हूं, इसको हटा रहा हूं मैं. अब मैंने बोला कि मुझे ये वेक्टर चाहिए, कौन सा वेक्टर? देखना, ये वेक्टर तो मेरा ए है, ये लंबा वेक्टर मेरा बी है. अब मुझे देखना क्या चाहिए, ये वेक्टर चाहिए, यहां से यहां तक का वेक्टर चाहिए. सी ए ले ली, this vector I need. So I know this length. I know also what? If ये vector किसके along है? B के along. तो मैं इस vector को कैसे लिखूँ? ये length into इसके along unit vector. मतलब क्या हुआ? मैं देखो इस vector को क्या लिख रहा हूँ? This is what? ये length. और length कितना भी हमने देखा? A dot B cap. तो vector A dot B cap. ये तो क्या length? Into ये तो scalar quantity होए. मतलब let's say 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा. 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, वॉट एवर. लेकिन मुझे ये वेक्टर लिखना है, तो लेंथ इनटू इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, एंड वी नो इट इज बी कैप. सो दिस इज व्हाट, प्रोजेक्शन वेक्टर. किसका प्रोजेक्शन वेक्टर? ए वेक्टर का बी के ऊपर. दिस इज प्रोजेक्शन वेक्टर. प्रोजेक्शन वेक्टर वो तो केवल प्रोजेक्शन था, मतलब लेंथ था. अब लेंथ को हमने यूनिट वेक्टर से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई विल गेट दिस वेक्टर. इसको और क्या बोलते हैं, एक और नाम क्या बोलेंगे इसको, कि दिस इज कंपोनेंट. लिख लो इसको, दिस इज व्हाट, आल्सो वी विल से दिस इज कंपोनेंट. कंपोनेंट किसका? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, बी के अलोंग. अभी देखो मैंने अलोंग लिखवाया, अभी मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करूंगा. दिस इज द कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी. ठीक है ना, वेक्टर ए का समझना, देखो रटना नहीं है, वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, दैट इज दिस वेक्टर.
is what a dot b cap into unit vector along that direction, that is b cap. I hope समझ में आया होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. अब तो मैंने क्या बोला अभी, अब अपने इसका लेंथ देख लिया, इसका वेक्टर देख लिया. अब मैं बोल रहा हूँ व्हाट परपेंडिकुलर कंपोनेंट. दिस इज व्हाट, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ ये क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट. किसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ए का बी के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट. अलोंग कंपोनेंट तो ये हो गया, अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकाले वो सोचो वीडियो पॉज करके. आई वॉन्ट टू फाइंड दिस वैक्टर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो मैं ट्राइंगल लॉ से कर सकता हूँ. कैसे, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, शॉर्टकट हम बताते थे, तो इधर से इधर जाना है, ऐसे मूव करता हूँ. तो ये वेक्टर तो मेरा ये था, प्लस ये ए इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं इसके अपोजिट मूव कर रहा हूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ. तो माइनस ऑफ दिस प्लस ए, मैं क्या बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख लो इधर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ दिस, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो ये वाला जो वेक्टर आया था वो तो इस डायरेक्शन में आया था ना, तो मैं लिखूंगा या तो माइनस ऑफ दिस प्लस ए, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ वेक्टर ए माइनस इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज वेक्टर ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप. तीन चीजें हैं, ठीक है ना. आई होप समझ में आई होंगी. मैं एक बार और क्विक रिव्यू करवा देता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है. एक बार और क्विक रिव्यू, प्रोजेक्शन क्या होता है, मतलब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, थ्री थिंग्स वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एक बार और क्विक रिव्यू देखो, ध्यान से देखना. अब मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ डायग्राम. लेट्स से दिस इज माय वेक्टर ए, दिस इज माय वेक्टर बी. अब कितना भी बड़ा बना दो, बी वेक्टर से हमें उसके लेंथ से कोई मतलब नहीं है, वी वॉन्ट द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है ना. अब मैंने बोला तीन चीज़ें हमने पढ़ी इसमें. पहली चीज ए का प्रोजेक्शन, दैट इज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन अलॉन्ग वैक्टर बी, तो दैट इज नथिंग बट दिस क्वान्टिटी, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, दैट इज नथिंग बट वैक्टर ए डॉट बी कैप, दिस इज वॉट स्केलर क्वान्टिटी. उसके बाद मैंने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक का वैक्टर, दिस इज वॉट ऐसे बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोलते हैं इसको वैसे, ठीक है, या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, या फिर उसको लिख लो तुम हॉरिजॉन्टल वर्ड भी ऐड कर लो, बिकॉज ये जो होगा दिस इज माय परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, किसका, ए का बी के अलोंग, ठीक है ना. एंड दिस इज वॉट इसका लेंथ, विच इज नथिंग बट लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर ए डॉट बी कैप into इसके along unit vector, that is b cap, ठीक है ना. इन सम ऑफ द बुक्स ये कैसे भी लिखा हो, एक और तरीके से कैसे लिखा लिख लेना, वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ b कैप ही विल यूज वैक्टर b, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, b कैप को मैं क्या लिखूंगा, b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, इस b कैप को भी वैक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो मेरा ऊपर क्या बनेगा देखो ध्यान से, वैक्टर a डॉट वैक्टर b इंटू वैक्टर b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b का स्क्वायर, देख रहे हो मैंने क्या किया, b कैप को क्या लिखा, वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ b, वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b, तो नीचे क्या आ गया, मॉड ऑफ b का स्क्वायर, दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या कंपोनेंट अलोंग b a का. एंड दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कैसे लिखा मैंने, मैं मेरे को यहां से लेके यहां तक मूव करना है इस डायरेक्शन में, तो आई विल गो लाइक दिस वे, तो ये इस डायरेक्शन में पता था हमें, तो इसका उल्टा माइनस ऑफ दिस प्लस a, तो दिस इज व्हाट a माइनस वेक्टर a डॉट b कैप into magnitude of vector, sorry, into vector b cap, या फिर इसको तुम ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना. आई होप क्लियर हुआ होगा. कुछ नहीं करना तुम्हें, जनरली क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट तो रेयरली पूछते हैं, वो ये जरूर पूछते हैं कि a का कंपोनेंट निकालो b के अलोंग, तो दिस इज माय आंसर, a डॉट b कैप into vector b cap, गेट इट. चलो आगे बढ़ते हैं. तो तीन चीजें हमने इसमें देख ली, ठीक है. अब हम दोबारा, जैसे कि मैंने बोला था, अब हम पूरे सभी तरीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या हमारे बनते हैं डॉट प्रोडक्ट्स में, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विथ इट. लिखो फर्स्ट एग्जांपल, इफ, अच्छा एक चीज और मैं भूल गया दोबारा, सॉरी एक बार और, एक चीज और छोटी सी, बहुत छोटी सी माइन्यूट सी चीज है, अभी दिमाग में आया अचानक से, देखना ध्यान से नोट करके लिखेंगे इसको, नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. जैसे मान लो वेक्टर, मैंने वेक्टर ए लिखा ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, मान लो ये वेक्टर लिखा. अब देखना व्हाट इज ए वन, ए वन क्या होता था याद है, कुछ अपन ने बताया था जब वो मैंने वो बताया था टॉपिक, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ थ्री परपेंडिकुलर वेक्टर्स,
याद है, तब मैंने डिस्कस किया था कि जैसे मगर मान लो मैंने ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, या फिर सिंगल ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, याद है कुछ? मैंने बोला अगर मैंने आई कैप और जे कैप को ले लिया, दिस इज व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन, और सिमिलरली ए वन क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, this b1 is what, projection of vector l, vector a along y axis, and similarly c1 is what, projection of vector along z axis, clear hai, ek baar likh lete hain idhar dobara. Maine kaha is diagram mein humne udhar kya padha tha, a1 ko kya bolte hain hum, projection of vector a along x axis, yaad aaya kuch? Similarly b1 is projection of vector a along y axis, and c1 is प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड एक्सिस, याद है? ये तो कुछ नया नहीं है, ये प्रीवियस वाला पार्ट है. और फिर मैंने बोला अगर मैंने मान लो ऐसे लिखा बी वन सॉरी ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप, मान लो मैंने ऐसे लिखा, दिस इज वॉट, क्या बताया था मैंने, अगर मैंने आई और जे का कोफिशिएंट लिया, केवल आई और जे वाला, दैट मीन्स दिस इज वॉट, प्रोजेक्शन ऑफ ऑन एक्स वाई प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स वाई प्लेन, याद आया कुछ? ठीक है ना, ये सब चीज हमने ऑलरेडी कवर की थी. अब दोबारा हम इस पे आ रहे हैं, कैसे मैंने इधर क्यों ले रहा हूं ये पार्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्शन वाला पार्ट टॉपिक तो मैंने अभी पढ़ा, तो इसके हिसाब से A1 को मैं क्या लिखूं, क्या है बेसिकली A1 इज व्हाट, A का प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस. तो अब मुझे पता है, जैसे मान लो वेक्टर A दिया है, ये वेक्टर A है और ये लेट से वेक्टर B है. अभी हमने देखा क्या कि जो A का प्रोजेक्शन है B के ऊपर, दैट इज नथिंग बट दिस लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ, और स्पेसिफिक लिखना हो तो लेंथ लिख लो, प्रोजेक्शन लेंथ, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना, ए वन इज सिंपली लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन. हाँ, तो मैंने क्या बोला कि ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी कैप, मतलब जिसके अलॉन्ग निकाल रहे हैं उसका कैप केवल, उसका यूनिट वेक्टर लेना है ए डॉट बी कैप. तो अब मैं ए का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या लिखूंगा मैं, ए डॉट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, एंड वी नो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज A dot I cap, very important part. This, अभी मैं इसको एक और तरीके से बताऊंगा, डोंट वरी, पहले हम इससे देख रहे हैं, अभी मैं मैथमेटिकली बताऊंगा कैसे, एक और तरीके से कैसे आएगा वो. अब सिमिलरली B1 को क्या लिखूंगा मैं, B1 क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ A along y axis. अब A का प्रोजेक्शन y axis के along क्या होगा, A dot y axis के along यूनिट वेक्टर, एंड y axis के along यूनिट वेक्टर क्या होता है, j cap. सो दिस कैन बी रिटर्न एज A dot j cap. एंड सिमिलरली C1 क्या होगा, प्रोजेक्शन along z axis. तो C dot z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, दैट इज k कैप. तो ये हो जाएगा a डॉट k कैप, और ये हमारा क्या आया था, a डॉट i कैप, गेटिंग इट. तो इस वेक्टर को मैं फाइनली और कैसे लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ a ओनली, देखना, मैं a1 को रिप्लेस कर रहा हूँ a डॉट i कैप से, b1 को a डॉट j कैप, एंड c1 को a डॉट k कैप. तो फाइनली वेक्टर a को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर a डॉट i कैप, दिस इज व्हाट, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब a1 का वैल्यू है केवल ये जो मैंने अभी लिखा, इंटू आई कैप, अब ये वेक्टर बन गया, प्लस बी वन, बी वन इज वॉट, ए डॉट जे कैप, ए डॉट जे कैप इंटू जे कैप, प्लस ए डॉट के कैप इंटू के कैप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. जो बेसिकली कंपोनेंट होते हैं वो ए वन बी वन सी वन, दैट इज नथिंग बट ए डॉट आई कैप, ए डॉट जे कैप, ए डॉट के कैप, बट इट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अच्छा, अभी मैंने क्या बोला तुम्हें, एक और चीज, क्या मैं इसको एक और तरीके से बता रहा हूँ, तो कैसे देखना ध्यान से, पहले इतना पार्ट कॉपी करो, वीडियो पॉज करो. अब देखना एक और तरीके से, अब मैथमेटिकली हम कैसे लेके आते हैं, देखना, ये हो गया ए वन आई कैप. अब देखना क्या किया मैंने, एक और दूसरे तरीके से लाने के लिए, इस इक्वेशन का लिया डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग, देखो लिख लो पहले, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप. मैंने इस पूरी इक्वेशन का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक है ना, वी कैन टेक लाइक दैट वे. आगे एक टॉपिक भी आएगा वेक्टर इक्वेशंस वगैरह टॉपिक करके, तो उसमें वैसे भी हम करेंगे, ठीक है ना. बट अभी के लिए मैंने बोला इस पूरी इक्वेशन को मैंने का डॉट प्रोडक्ट लिया आई कैप के साथ, लिख लेते हैं. तो एल एच एस क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट आई कैप इज इक्वल टू ए वन आई कैप डॉट आई कैप प्लस बी वन जे कैप डॉट आई कैप प्लस सी वन के कैप डॉट आई कैप. अब हमने कल की क्लास में देखा था i डॉट i तो 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया मेरा i डॉट i, दिस इज 1, तो दिस इज व्हाट, सिंपली a1 प्लस i डॉट j
जीरो, ये भी कल देखा था, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिला, ए डॉट आई कैप इज बेसिकली माई ए वन। तो देखो वही आया था हमारा उधर, दिस इज ए, ए वन, ए डॉट आई कैप, तो ए वन आ गया, उसकी जगह रख दिया। फिर सिमिलरली बी वन निकालने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ जे कैप। सिमिलरली टू फाइंड सी वन वील टेक डॉट प्रोडक्ट विथ के कैप। आई होप समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम, चलो इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना। तो दो तरीके से बताया है इस पर्टिकुलर चीज को अपन ने। अब आते हैं क्वेश्चन पे प्रो, फाइनली लिखो क्वेश्चन। इफ एग्जाम्पल, इफ आर एक वेक्टर है डॉट आई कैप इज इक्वल टू आर डॉट जे कैप इज इक्वल टू आर डॉट के कैप, ये दिया है और उसने दे रखा है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू 3, देन वी हैव टू फाइंड वेक्टर आर, फाइंड वेक्टर आर। करो पॉज करो वीडियो एंड एक बार खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो देखो अब मेरे को वेक्टर आर निकालना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आर को मैं, अच्छा याद है अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि हम दुनिया में कोई भी वेक्टर है ना, लेट्स से वेक्टर डी, उसको मैं 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर के टर्म्स में लिख सकता हूँ। लेट्स से ए बी सी आर माय 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन आई कैन राइट एनी वेक्टर, दुनिया का कोई भी वेक्टर को मैं ए बी सी के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकता हूँ। सो वेक्टर डी को मैं कैसे अज्यूम कर सकता हूँ, लेट्स से लैम्डा 1 वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 वेक्टर बी प्लस लैम्डा 3 वेक्टर सी, याद आया। उसी तरीके से अब वेक्टर आर है, उसको मैं आई जे और के टर्म्स में 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर के टर्म्स में अज्यूम कर लेता हूँ। कैसे, लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू लेट से लैम्डा 1 आई कैप प्लस लैम्डा 2 जे कैप प्लस लैम्डा 3 के कैप, बिकॉज आई जे के आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, तो उनके टर्म्स में अब मेरे को लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 निकालना है विद दिस इन्फॉर्मेशन, विद दिस इन्फॉर्मेशन आई हैव टू फाइंड लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। एक बार लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आ गया मतलब वेक्टर आर आ गया, वही मुझे निकालना है। अच्छा अब मैं इस इक्वेशन का यूज करता हूँ। अब देखो बेसिकली डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर मान लो इससे प्रीवियस वाला नोट तुम्हें याद है तो। ये क्या है बेसिकली आर डॉट आई कैप, सोचो आर डॉट आई कैप है क्या, एक तरीका तो क्या है तुम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो आई के साथ, बट अभी जस्ट हमने नोट पढ़ा आर डॉट आई कैप क्या है, आर का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, एंड वी नो अगर मैंने ऐसे वेक्टर अज्यूम किया है दिस इज नथिंग बट माई लैम्डा 1 इज वॉट आर का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि लैम्डा 1, इसने क्या बोला लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर डॉट जे कैप क्या है, आर का प्रोजेक्शन अलोंग y axis and that is nothing but lambda 2 is equal to lambda 2 is equal to similarly lambda 3, getting it? So mera kya kya aaya, lambda 1 equals to lambda 2 equals to lambda 3, getting it? Ya fir tum aise bol do ki bhai is equation ko maine dot liya, dot product with i cap, so you will get r dot i cap is equal to lambda 1 aur ye dono zero ho jayenge, similarly taking dot product with j cap you will get r dot j cap is equal to lambda 2 and similarly taking dot product with k cap you will get r dot k cap equals to lambda 3 and we know these three are equal given hai, so lambda 1 equals to lambda 2 equals to lambda 3, got it? Acha to mera ko lambda 1 ye pata chal gaya ki i j k ka coefficient same hai, ab kya kare, ab main ye wali information use karunga to get the value of lambda, ab mujhe pata hai ki is agar maine vector r ko aise assume kiya hai then what is the magnitude of r ka square, it is lambda 1 square plus lambda 2 square plus lambda 3 square, ये भी पता है हमें। अब मुझे पता है तीनों लैम्डा बराबर है, तो कैन आई से दिस इज 3 लैम्डा 1 स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर फ्रॉम हियर इट इज 9, तो ये 3 टाइम ये 3 गया, तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस रूट 3, एंड वी नो ऑल लैम्डास आर इक्वल, जस्ट सब्स्टिट्यूटेड हियर व्हाट यू विल गेट वेक्टर डी, वो सॉरी नॉट वेक्टर डी, नॉट हियर, दिस हियर मैंने एज्यूम किया है, तो फाइनली आई एम गेटिंग वेक्टर आर इज इक्वल टू, तीनों लैम्डा बराबर है तो बाहर ले लिया और ये वैल्यू रख दी, तो प्लस माइनस रूट 3 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा, ये जरूर याद रखना, ठीक है ना। आई कैप का कोफिशियन क्या होता है, प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप का कोफिशियन प्रोजेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड के कैप का कोफिशियन इज वॉट, प्रोजेक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉज करो इसको कॉपी कर लो। जस्ट लेट मी टिकट, लिखो नेक्स्ट। इफ
बी एन सी आर यूनिट वेक्टर्स इफ ए बी सी इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बहुत सिंपल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन ठीक है तो स्टार्ट करो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से इसको ट्राई करो अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ ठीक है चलो तो क्या करें हम देखना सॉल्यूशन के लिए पहले इस पे नजर देखो जो पूछा है ना ये देखो ये कहाँ जनरेट होता है ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए जस्ट थिंक इट अब बताओ मैं व्हेन यू स्क्वायर दिस तो आएगा कल हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज व्हाट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए तो व्हाट आई विल डू आई विल सिंपली स्क्वायर दिस इक्वेशन तो आफ्टर स्क्वायरिंग व्हाट आई विल गेट ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर को मैंने कल बताया था ए स्क्वायर भी बोलते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ठीक है ना कल बताया था प्लस ट्वाइस ऑफ अच्छा इसको मैं एक मिनट के लिए लैम्डा बोल रहा हूँ सो दिस इज लैम्डा डायरेक्टली उठा के रख दिया ठीक है अब ये क्वांटिटी क्या है मेरा ए प्लस बी प्लस सी जीरो सो दिस इज जीरो इज इक्वल टू अब ए बी सी क्या दे रखे हैं इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स है तो दिस इज वन तो दिस इज थ्री प्लस टू लैम्डा तो लैम्डा यू विल गेट माइनस थ्री बाई टू सिंपल क्वेश्चन ठीक है ना लैम्डा यू विल गेट माइनस थ्री बाय टू समझ में आया बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं कॉपी करते जाना ठीक है ना थोड़ा फास्ट करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बिकॉज ऑलरेडी वी आर लैगिंग ठीक है ना एक लेक्चर दो तीन लेक्चर पीछे चल रहे हम ठीक है ना बट मेरा उद्देश्य है कि सब कुछ कवर हो थोड़ा फास्ट हो लेकिन सब कुछ कवर हो नेक्स्ट लिखो चलो ये भी एक ठीक क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ठीक है ना उसने यूनिट वेक्टर नहीं दिया बट ठीक है तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और मैग्नीट्यूड सेम है देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स देन फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड ए प्लस बी प्लस सी पॉज करो वीडियो और खुद से ट्राई करो पहले रिकॉल करो कि एंगल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं उस फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है ठीक है ना अब मैं आता हूँ इसके सॉल्यूशन पे ठीक है तो मैंने बोला कि पहले मैंने इन दोनों वेक्टर को पूछा ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर मैं तो सिंपल ए और बी की बात कर रहा हूँ वेक्टर ए और बी के बीच में मुझे एंगल निकालना होता है तो हम क्या यूज करते हैं सोचो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ए मॉड बी क्या यूज करता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी दिस इज व्हाट एंगल बिटवीन ए एंड बी मतलब कॉस इनवर्स थीटा कॉस को तो ले जाएंगे कॉस इनवर्स हो जाएगा तो सिमिलरली इस फॉर्मूले में मैं ये वैल्यू रख देता हूँ फिर देख लेता हूँ क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसको अलग से निकाल के उसमें पुट कर दूंगा दोबारा तो मैं इधर से कैसे लिख रहा हूँ थीटा चलो कॉस थीटा ही लिख लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू अब क्या बोला जिन दो वैक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है उनका डॉट प्रोडक्ट लो तो मेरे लिए ए तो ए ही है और बी की जगह मैं क्या रखूंगा ए प्लस बी प्लस सी तो क्या आएगा ए डॉट विथ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी अब वैल्यूज रखनी है मुझे सिंपली अब न्यूमरेटर देखो ध्यान से ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी मैंने ब्रेक किया उसको मैंने क्या लिखा दिस इज ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी डिवाइडेड बाय अच्छा जो वेक्टर्स हैं अच्छा मैग्नीट्यूड बराबर दिया तो लेट्स से मॉड ए एंड दिस इज मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ठीक है अच्छा उसे क्या दे रखा है कि ए बी सी जो है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कोई भी दो वेक्टर उठाए ए बी सी में वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ऑल्सो दीज आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड दैट मीन्स वॉट
मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी इक्वल्स टू मॉड सी एंड ऑल्सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो मतलब उन दोनों का कोई भी दो वेक्टर उठाऊंगा उनका डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो आई विल गेट जीरो। मतलब इस इन्फॉर्मेशन को मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन में दी है कि दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, वो तो ये लिख लिया, एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विच मीन्स ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट सी इक्वल्स टू सी डॉट ए इक्वल्स टू जीरो। दीज आर द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसी का मैंने मैथमेटिकली लिखा। अब इनको मैं इसमें रख देता हूँ, तो देखो ए डॉट बी और ए डॉट सी ये तो जीरो हो जाएंगे बिकॉज ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ए डॉट ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, तो मैंने फाइनली वी आर गेटिंग हियर इट इज मॉड ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक मॉड ए इधर है और ये है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब मेरा टास्क क्या रह गया इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालना, क्या रह गया ये पार्ट निकालना है। अब देखो कल की क्लास में अपन ने एक और चीज देखी थी कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करते हैं, याद आया ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज व्हाट, इसी वेक्टर का डॉट इसी के साथ, मतलब ऐसे एक्सप्लेन किया था, मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी याद है ना, ए डॉट जैसे मान लो ये ए है ये ए है तो ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर। तो दिस इसको जब ओपन करोगे तो व्हाट यू विल गेट, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, गेटिंग इट। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मुझे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, ठीक है ओके। नाउ अब मुझे पता है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया एंड वी नो मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी इक्वल्स टू मॉड सी, सो ये तीनों बराबर हो गए तो ऐड हो जाएंगे, तो व्हाट यू विल गेट, दिस इज इक्वल टू थ्री टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर, दिस इज व्हाट माय मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो इधर से मैं अंडर रूट ले लेता हूं, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, रूट थ्री मॉड ए, रूट थ्री मॉड ए, इसको उठा के मैं इधर रख देता हूं, तो फाइनली वी आर गेटिंग कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन मॉड ए, और ये कितना आया, रूट थ्री मॉड ए, रूट थ्री टाइम्स मॉड ए, तो मॉड ए मॉड ए मॉड ए स्क्वायर इससे कैंसिल, वी आर गेटिंग वन बाय रूट थ्री, तो फाइनली वी आर गेटिंग थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाय रूट थ्री, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जेई वगैरह में पहले बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन सम वेक्टर्स विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर वेक्टर और उनके बीच उनके मैग्नीट्यूड और उनके बीच में एंगल्स वगैरह पता है मुझे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो वीडियो पॉज करो एक बार खुद से रिकॉल करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन एक बार, ठीक है ना। मतलब अभी सॉल्यूशन सुनने के बाद भी एक बार खुद से ट्राई करो, ज़्यादा सीखने मिलेगा और ज़्यादा दिन तक मेमोराइज रहेगा, ठीक है ना, रिटेन रहेगा मेमोरी के अंदर क्या क्या किया हमने, ठीक है ना। सिंपली हमने इन दोनों का डॉट लिया और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड के लिए हमने कल वाला इन्फॉर्मेशन यूज़ किया कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज ए डॉट ए टाइप की चीज, ठीक है। तो एक बार क्विक रिव्यू करो माइंड के अंदर कैलकुलेशन, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, वीडियो पॉज करो और कॉपी कर लो इसको। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वेक्टर में, देखो वेक्टर इज इजी चैप्टर ओनली, आई विल से नॉट, मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं बोलूंगा बट है, एक बार अगर फील आ जाता है ना तो ट्रस्ट मी वेक्टर और 3D का क्वेश्चन नहीं छूटता एग्जाम में, ठीक है ना। इवन इफ यू व्हेन आई टीच यू कंप्लीट चैप्टर ना, जब तुम एडवांस के क्वेश्चन भी उठाओगे ना देन यू कैन सी कि यार बहुत ज़्यादा दमदार नहीं होते, जैसे एलजेब्रा वगैरह में थोड़े हार्ड जाते हैं क्वेश्चन, बट वेक्टर 3D स्पेशली 3D का तो बहुत ही आसान होता है, वो तो मैं 100% अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि एक बार अगर जब तुम उससे पढ़ लोगे 3D चैप्टर, गारंटी बोल रहा हूँ एडवांस के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है ये तो बहुत ही आसान है। इफ मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो करो वीडियो पॉज करो एक बार खुद से करो इसको, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके सॉल्यूशन पे, तो मैंने क्या किया, दोनों ही इक्वेशन में आई स्क्वायर, इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा देखना, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मॉड ए इंटू मॉड बी। मतलब ये तो सिंपली दो नंबर्स का स्केलर, मॉड ए और मॉड बी तो स्केलर है, तो ये तो ऐसे लिखा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी स्क्वायर, एंड इन इफ आई स्क्वायर दिस इक्वेशन क्या मिलेगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी मिलेगा, याद रखना ए डॉट बी मिलेगा. व्हाट यू विल गेट? ए डॉट बी. वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ए डॉट बी. और जब हमने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया तो विल गेट मॉड ए इन टू मॉड बी. नाउ व्हाट यू विल डू, जस्ट इक्वेट दीज टू इक्वेशंस या फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इधर से क्या मिलेगा? मॉड ए इन टू मॉड ए इन टू मॉड बी इज इक्वल टू ए डॉट बी. मिल रहा है? व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इज इक्वल टू दिस. नाउ व्हाट यू विल डू, ए डॉट बी को लिख लो, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. अब मॉड ए मॉड बी कैंसिल हो गए, व्हाट यू आर गेटिंग? कॉस थीटा इक्वल्स टू वन. कॉस थीटा वन है मतलब थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री, मतलब ए और बी लाइक वेक्टर्स है, एंगल बिटवीन ए एंड बी जीरो डिग्री, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर माय लाइक वेक्टर्स. गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं, रब करता हूँ इसको, कॉपी कर लेना. अच्छा एक क्वेश्चन मुझे बच्चों ने भेजा था, तो आई टोल्ड देम दैट आई विल टेक इट इन डाउट्स, इसमें क्या बोलते हैं अपना, क्लास में ले लूँगा मैं, तो मैं अभी ले लेता हूँ वाला क्वेश्चन. लेट मी सी वेयर इट इज़, ठीक है ना? सब लोग लिख लेना, ठीक है ना? सबके पास नहीं होगा वो क्वेश्चन, शायद आहिल ने पूछा था और एक और किसी ने पूछा था, सो आई विल राइट डाउन. दिस क्वेश्चन इज इन द शीट, लिख लो, थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, थोड़ा लिख लेना. ओ ए बी सी डी ई is a regular hexagon, is a regular hexagon of side 2 units, of side 2 units in xy plane, in the first quadrant. Okay, in the first quadrant, O being the origin and OA taken along x-axis, a point P is taken on a line, a point P is taken on a line parallel to the z-axis, through the center of the hexagon, through the center of the hexagon at a distance of 3 units, at a distance of 3 units from O in the positive z direction, then find vector AP. चलो जिसने भी नहीं किया है पहले, शीट में था वैसे ही क्वेश्चन, यू कैन ट्राई, ठीक है ना? एक बार ट्राई करो, ऑब्वियसली बात है खुद से ट्राई करोगे तो यू विल लर्न मोर. चलो तो इसका हम बताते हैं, लेट से दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है ना? अब उसने क्या बोला है कि ओ ए बी सी डी इज द रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 2 यूनिट्स इन एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन के ऊपर है. O being the origin, तो मैंने O को mark किया, O being the origin, and OA is taken along x-axis. तो OA, तो let's say this is my A, मैंने मान लिया थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, let's say this is A, this is my OA. उसने बोला OA को x-axis के along ले लो, this is my x-axis and this is my y-axis, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब मैं x-axis complete कर लूँ, ये length 2 unit है, तो A का मैं coordinate लिख सकता हूँ क्या? 2, 0, 0. I can write 2, 0, 0. Now what I will complete the hexagon. Hexagon complete कर रहा हूँ मैं, देखो. ठीक है ये. देखो ये hexagon हो गया. This is an xy plane. ठीक है ना? Getting it? और hexagon में हो जाता है all sides are equal. ठीक है ना? क्योंकि regular है.
ओके देन व्हाट अ पॉइंट पी इज टेकन ऑन अ लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस. अब जेड एक्सिस तो मेरा ऐसे है, देखो इसको समझने के लिए ये मेरा जेड एक्सिस है. ये जो देखो ये तो बोर्ड का प्लेन हो गया. अब जो मैं मार्कर बना रहा हूँ, दिस इज माई जेड एक्सिस, दिस इज माई जेड एक्सिस जो मैंने मार्क ये लिखा ना, ये वाली लाइन, ये मार्कर से मैं जो हाथ में पकड़ा हूँ, दिस इज वॉट अ वेक्टर जेड एक्सिस, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है. ओके एंड राइट हैंड थंब रूल फॉलो कर रहा है, मतलब एक्स क्रॉस वाई मतलब थंब का डायरेक्शन इज जेड एक्सिस. अब उसने क्या बोला कि अ लाइन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, मतलब इस लाइन के पैरेलल, तो देर आर इनफाइनाइट लाइंस, ये देर, चलो एक मार्कर यूज करता हूँ. मैंने कहा दिस इज अ जेड एक्सिस, तो इसके पैरेलल लाइन ऐसे इनफाइनाइट होंगी इस प्लेन के अंदर, देर विल बी इनफाइनाइट, दिस इज वन ऑफ द लाइन, दिस इज वन ऑफ द लाइन, दीज ऑल आर अलॉन्ग जेड एक्सिस. बट उसने क्या बोला, वो वाली लाइन लेनी है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, मतलब दिस इज द सेंटर लेट से, तो इससे पास करने वाला और इसके पर मतलब जेड एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये दिस इज माय सिनेरियो, इस लाइन के ऊपर मैंने कहीं तो एक पॉइंट लिया है. गेट इट? फॉर एग्जांपल लेट से मैंने बोला कि जस्ट अ मिनट, मैंने बोला कि ये मेरा एक प्लेन है, इसके ऊपर हेक्सागन है, ठीक है ना, इस बुक के ऊपर हेक्सागन है, तो पॉइंट इट समवेयर हियर, पॉइंट इट समवेयर अबव द प्लेन, ठीक है ना, एंड दैट इज ओके पी पॉइंट मेरा. सो पी पॉइंट को मैंने, अब ऐसे बनाने में थोड़ा डायग्राम बनाने में दिक्कत होगा, तो मैं इस एक काम करता हूँ, इसी को मैं पी को थोड़ा ऐसे ले लेता हूँ, लेट्स से दिस इज माय पी, ठीक है ना, दिस इज माय पी. अब देखना दिस इज पी, अब ये पी इस प्लेन में नहीं है, दैट यू हैव टू विजुलाइज, थोड़ा विजुलाइजेशन लगेगा, दिस पी इज प्लेन के ऊपर, ठीक है ना, सो दिस इज परपेंडिकुलर. अब समझ में आ रहा है, थोड़ा फील आ रहा है डायग्राम देख के, पी इज अबव द प्लेन, पी इज अ पॉइंट, एक हवा में पॉइंट है, ठीक है. अच्छा अब क्या बोला है कि अ पॉइंट पी इज टेकन ऑन अ लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द हेक्सागन एट अ डिस्टेंस 3 units फ्रॉम ओ, तो पी का डिस्टेंस मेरा 3 units है ओरिजिन से, दिस इज 3 units, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड एपी वेक्टर, तो ए तो पता है मुझे, एपी वेक्टर होता क्या है वैसे, एपी वेक्टर कैसे बताया था मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ उल्टा पी फिर माइनस ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, ए तो ए के कोऑर्डिनेट इज 2, 0, 0, सो दिस मच वेक्टर इज व्हाट माय पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज नथिंग बट 2i कैप, मैग्नीट्यूड इज 2 एंड इसके अलोंग वेक्टर इज i कैप, सो दिस इज माय 2i कैप, ये तो कंफर्म है, this is 2i cap. Ultimately मेरा task is to find position vector of point P. Position vector निकालना मतलब क्या है? मतलब P के coordinates निकालना. P के coordinates निकालना है, ठीक है ना? अब P के coordinates कैसे निकालें? तो देखो, अब visualization लगेगा थोड़ा सा कि जैसे एक मिनट मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना? This is my center. अच्छा, ये length कितना होगा? This is not point P. ये तो center है. Let's say मैं इसको center C बोल रहा हूँ. We know कि ये सारी चीजें लेंथ बराबर होती है. लेट्स मैं इधर साइड में बता देता हूँ. लेट्स इफ दिस इज अ हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, तो ये सेंटर है मेरा, तो ये सारी लेंथ, ऑल दीज आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, वी नो ये 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 6 के 6 ट्राइंगल इक्विलेटरल होते हैं, सो वी नो जो साइड लेंथ है हेक्सागन की वो 2 है, सो दिस इज ऑल्सो 2 units. गेटिंग इट? अच्छा, उसके बाद ये 2 unit है, देन वी नो कि जो एंगल होता है, लेट से व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, साइड और इसके बीच में एंगल कितना होता है, 60 degree, कैसे, पूरा 2π, तो 2π/6, दैट इज नथिंग बट 60 degree, सो दिस एंगल इज 60 degree. तो मैंने बोला, अभी मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ, सुनना, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट इज ओनली कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, अभी मैं पी मेरा हवा में है, पी पे मैं बाद में आ रहा हूँ, पहले मैं सी के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ, मतलब सी का पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ बेसिकली. तो अब ये 2 length है, तो ये कितना हो गया, 2 cos 60 लेंथ, एंड दिस इज व्हाट, 2 sin 60, 2 cos 60 मतलब 2 into 1/2 विच इज 1, एंड 2 sin 60 इज 2 into √3/2, दैट इज √3. सो कैन आई से सी जो है, सी के कोऑर्डिनेट्स बोल दो या पोजीशन वेक्टर बोल दो, वन एंड द सेम थिंग, सी इज इन एक्स वाई प्लेन, तो ये तो पक्की बात है कि इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये डिस्टेंस, दैट इज 1, एंड वाई इज दिस डिस्टेंस, दिस इज √3, तो सी का पॉइंट इज 1, √3, 0. और अगर वेक्टर के टर्म्स में लिखोगे तो सी का
ओसी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या होगा? आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप, दिस यू शुड गेट। सी का पोजीशन वेक्टर लिखा, सिंपली सी के कोऑर्डिनेट इज 2 cos 60, 2 sin 60, तो 1, √3, तो 1, √3 मतलब आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप। अब खुद सोचो, ठीक है, अब मेरे को क्या बोला है, पॉइंट पी इज ऑन अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सो सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 units फ्रॉम ओ। अच्छा ये 3 units है, अच्छा ये तो 2 ही है, सॉरी ये तो 2 ही है, 3 वो है, देखना ध्यान से देखो, मैं इसी के ऊपर बता रहा हूँ डायग्राम से, कोशिश करूंगा इसी के ऊपर। अब लेट्स से दिस इज द लाइन जिसके ऊपर मेरा पॉइंट पी है, अब ये देखो, जैसे अब देखना, कोशिश करना समझने की, ये जो है ना दिस इज द सिनेरियो। अब मेरा ये लेंथ 2 है और ये रेड मार्कर है ना, तो वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, एंड दैट इज नथिंग बट 3, क्योंकि ये पॉइंट पी है ना, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, इस पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस इज रूट 3, गेटिंग इट, सॉरी रूट 3 नहीं, 3, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 3 है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आ जाएगा, कितना हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल से, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब सी से लेके पी का डिस्टेंस, सी पी डिस्टेंस कितना होगा, दोबारा एक बार और पेन रख के बता रहा हूँ। मैंने कहा ये जो ब्लू लाइन जो मैं मार्कर है, ब्लू मार्कर, दिस इज द लाइन जिसके ऊपर पॉइंट पी है, लेट्स से दिस टिप इज द पॉइंट पी, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब ये रेड मार्कर, दिस इज माई हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, तो और बेस पता है 2 है, तो ये 2 है, ये 3 है, सॉरी 3 है रेड मार्कर, तो 3² - 2² 9 - 4 5 उसका रूट, दैट इज √5। तो मैं आया कैसे लिखा ये √5 अंडर रूट ऑफ 3² - 2², गेटिंग इट। अब सिंपल है, अब मैंने क्या किया, अब C का पॉइंट पता है, C का कोऑर्डिनेट पता है, C तो मेरा क्या था, एक्स वाई प्लेन पे था, अब C के ऊपर मूव कर रहे हैं हम जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो मैंने बोला कि लेट्स से दिस इज माय एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना, सब सुनना ध्यान से, दिस इज माय एक्स वाई प्लेन, और मान लो इस पे मैंने कोई एक पॉइंट लिया, उसका कोऑर्डिनेट इज 2, 3, 0, एक्स वाई प्लेन पे है, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, वाई कोऑर्डिनेट इज 3। अब मैं इस पॉइंट से ऊपर मूव कर रहा हूँ वर्टिकली, जब मैं इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा हूँ ना, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज होंगे नहीं, क्या होगा, जेड चेंज होता जाएगा, और वो फाइनली जेड क्या होगा, √5 ओनली। तो व्हाट आई विल से कि जो फाइनली मेरा पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x and y कोऑर्डिनेट ऑफ c तो सेम रहेंगे, बिकॉज c के ऊपर जस्ट हम मूव कर रहे हैं, तो दिस इज 1, √3, एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट p इज नथिंग बट लेंथ cp, ये परपेंडिकुलर लेंथ, एंड दैट इज नथिंग बट √5। तो बेसिकली इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, op वेक्टर इज व्हाट, i कैप प्लस √3 j कैप प्लस √5 k कैप। सो op वेक्टर मिल गया, वो इधर रख दो, तो दिस फाइनल आंसर इज दिस माइनस 2 आई कैप, गॉट इट, आई होप समझ में आया होगा चीजें, नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार खुद से एक बार मतलब रिमाइंड करके दोबारा देखो, नहीं भी आता फिर भी नहीं आता तो यू कैन आस्क मी ऑन डाउट सेशन, ठीक है, चलो कॉपी कर लेना इसको, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आने लायक क्वेश्चन है ये, बाकी और भी तरीके से कर सकते हैं विदाउट ज्योमेट्री, यू कैन, अच्छा तुम एक काम करना इसको और किसी तरीके से ट्राई करके मुझे बताना, ठीक है ना, फिर मैं डाउट सेशन में इसको एक और तरीके से बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो लिख लेते हैं, लिखो, लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर 3 कोइनिशियल वेक्टर, आर 3 co-initial vectors making an angle 60 degree with each other using these vectors a parallelepiped is formed,
कल हमने पढ़ा था पैरेलल पाइप, ठीक है ना। पैरेलल पाइप इज फॉर्म, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने कि वी रिक्वायर थ्री नॉन कोप्लैनर वेक्टर टू यूनिकली कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल पाइप, ठीक है ना। एफ इज फॉर्म गिवन, ऑल्सो गिवन दैट, ऑल्सो गिवन दैट मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी इक्वल्स टू मॉड सी, देन फाइंड, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ फेस डायगनल, लेंथ ऑफ फेस डायगनल, सेकेंड पार्ट लेंथ ऑफ बॉडी डायगनल, लिख लेना पूरा, मैंने लिख नहीं रहा हूँ, लेंथ ऑफ बॉडी डायगनल, एंड थर्ड पार्ट एंगल बिटवीन फेस एंड बॉडी डायगनल, एंगल बिटवीन फेस डायगनल एंड बॉडी डायगनल पासिंग थ्रू सेम वर्टेक्स, पासिंग थ्रू सेम वर्टेक्स, ठीक है। करो एक बार पॉज द वीडियो और एक बार खुद से ट्राई करो। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए देखना मैं क्या कर रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, ऐसे बना लेता हूँ मैं, ठीक है। 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम कोई बोलेगा सर 90 बना रहे हो आप, तो ठीक है 90 बना लिया, बट बेसिकली हमें 60 बनाना चाहिए था, बट मैंने 90 के हिसाब से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। हम एंगल फैक्ट हम यही यूज़ करेंगे कि एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 60। तो लेट्स से दिस इज ओरिजिन, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी, ठीक है। अच्छा अब मैंने, उसने क्या बोला, लेंथ ऑफ फेस डायगनल, तो फेस डायगनल क्या होगा, कोई भी एक फेस ले लो, बिकॉज क्या है कि ऑल द थ्री जो क्या बोलते हैं तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फेस ले लो, ठीक है ना। लेट से मैं बॉटम वाला ले रहा हूँ, लेट से मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ A1, B1, C1, D1, और ये हो गया A2, B2, C2, D2, A2, B2, C2, D2, ठीक है ना, हो गया। उसने क्या लगा, थ्री को इनिशियल वैक्टर्स, तो ये एक ये जो वैक्टर ए है, वैक्टर बी है, वैक्टर सी, वो को इनिशियल वैक्टर से एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं और उनकी मदद से हमने एक पैरेलल पाइप बनाया, ठीक है ना। ऑल दो इट इज लुकिंग लाइक अ क्यूबॉइड विच इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेलल पाइप, ठीक है, बट मैं समझाने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है। अदरवाइज इफ यू वॉन्ट यू कैन मेक इट लाइक दिस वे ऑल्सो, देखो इफ यू वॉन्ट यू कैन मेक इट लाइक दिस वे ऑल्सो, चलेगा। देखो इसको नहीं बनाना वैसे तो ऐसे बना लो, दिस इज प्रॉपर एक्चुअल डायग्राम ऐसे होगा, बस समझाने के लिए मैंने, दिस इज ओ, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। इफ यू कैन, इफ यू वांट यू कैन मेक इट दिस वे आल्सो, ठीक है। चलो अब आते हैं, व्हाट इज लेंथ ऑफ फेस डायग्नल। तो मैंने क्या बोला कि सिंस ऑल द थ्री वेक्टर्स आर इक्वल, तो मैं कोई भी फेस डायग्नल निकाल लेता हूँ, अदरवाइज अगर ए बी सी अलग अलग होते ना मैग्नीट्यूड के तो फर्क पड़ता, ठीक है ना। कोई जो फेस, हर एक फेस में जो डायगनल होते हैं, हमने कितने फेस डायगनल पढ़े थे, हर एक फेस में दो होते हैं और टोटल 6 फेसेस हैं, ठीक है ना, चार वॉल्स और दो, एक सीलिंग एक बेस, मैंने बताया था, जिस रूम में तुम बैठे हो दैट इज ऑल्सो पैरेलल पाइप ओनली, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं A1 B1 C1 D1 वाला फेस ले रहा हूँ, तो लेट्स से दिस इज माय फेस डायगनल, ठीक है ना, जो मैंने एरो मार्क किया, दिस इज माय फेस डायगनल। चलो दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, दिस इज माई फेस डायगनल, ये वेक्टर बी था, ठीक है। तो कैन यू टेल, कैन यू सी कि जो बेस है दैट इज अ पैरेललोग्राम, तो एंड दिस वेक्टर इज व्हाट, जो मेरा फेस डायगनल है, मैंने कहा ए सी वन इज माई फेस डायगनल, फर्स्ट पार्ट ए वन सी वन इज माई फेस डायगनल एंड दैट इज नथिंग बट पैरेलल डायगनल वेक्टर अलोंग दैट डायगनल एंड दैट इज नथिंग बट फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से इट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब उसमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, मतलब वी हैव टू फाइंड इन द फर्स्ट पार्ट मॉड ऑफ ए प्लस बी, वेक्टर नहीं निकालना है, उसका लेंथ निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ ए प्लस बी। अब वही वाला फैक्ट यूज होगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वही चीज ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर टाइप, तो हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का डॉट विथ ए प्लस बी एंड दिस इज नथिंग बट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए डॉट मॉड बी एंड वी नो ऑल मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, तो अच्छा इधर कॉस थीटा और आएगा।
अब मुझे दे, अब ये cos थीटा क्या है बेसिकली, इधर से a डॉट b आया था ना, तो a और b के बीच में एंगल, एंड वी नो कोई भी दो उठाओ उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, सो cos 60 इज हाफ, तो ये हाफ और ये 2 कैंसिल हो गया, सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज मॉड a इक्वल्स टू मॉड b है, तो ये क्या हो गया मॉड a स्क्वायर मॉड a स्क्वायर मॉड a मॉड a, तो बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग इज 3 टाइम्स मॉड a स्क्वायर, ये क्या है मेरा मॉड ऑफ a प्लस b का स्क्वायर, बट हमें मॉड ऑफ a प्लस b निकालना है, तो दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ a प्लस b इज नथिंग बट रूट 3 टाइम्स मॉड ऑफ a, सो दिस इज माय आंसर। अब वो दे देता अगर मॉड a मॉड b मॉड c मान लो 5 के बराबर है, तो 5 रूट 3 हो जाता मेरा आंसर, तो वी हैव टू लीव एट दिस, गेटिंग इट, तो ये फैक्ट यूज होना है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते थे z इंटू z बार इज मॉड z स्क्वायर, उसी का वही चीज है, दिस इज मॉड ऑफ a का स्क्वायर, दिस इज a डॉट a, ठीक है, एग्जैक्टली 1:1। करें आगे बढ़े, समझ में आया, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो लेंथ ऑफ बॉडी डायग्राम, तो पता है इस डायग्राम के हिसाब से बॉडी डायग्राम क्या होगा, A1 को C2 से ज्वाइन करूँगा, A1 को C2 से, देखना इस डायग्राम के हिसाब से दिस इज माई बॉडी डायग्नल, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो A1 से C2, तो A1 से C2 जाना है, तो मैं कौन सा पाथ यूज़ कर रहा हूँ, ये ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर मैं ऐसे गया, सो आई एम यूजिंग दिस पाथ जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, सो दिस वैसे भी देखा भी था हमने कल की क्लास में, तो बॉडी डायग्नल सेकेंड पार्ट, पहले तो बॉडी डायग्नल होगा क्या A1 से लेके C2, तो ये होगा क्या a प्लस बी प्लस सी, दिस इज a प्लस बी प्लस सी, तो बट मुझे निकालना क्या है लेंथ ऑफ दिस बॉडी डायगनल, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, टू फाइंड मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a प्लस, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ b प्लस सी इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ठीक है ना, एंड वी नो ऑल द मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो ये तो हो गया इज इक्वल टू 3 मॉड ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, इधर क्या आएगा ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो मॉड ए मॉड बी बराबर है, तो मॉड ए स्क्वायर हो गया और कॉस 60 विच इज हाफ, तो वो इन इधर भी हाफ आएगा इधर भी हाफ आएगा इधर भी हाफ आएगा, वो इज 2 से कैंसिल, सो वॉट यू आर गेटिंग हियर इज मॉड ए स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर 3 मॉड ए स्क्वायर, देख लो एक बार a डॉट a इज मॉड ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा, इधर भी मॉड ए बी इंटू मॉड सी कॉस थीटा मॉड सी इंटू मॉड ए कॉस थीटा, तो वो कॉस थीटा कॉमन लेके इस 2 को नलीफाई कर देगा बिकॉज कॉस 60 इज हाफ, तो इधर क्या बनेगा मॉड ए स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर 3 मॉड ए स्क्वायर, तो फाइनली यू आर गेटिंग हियर इज 6 मॉड ए स्क्वायर, तो फाइनली दिस इंप्लाइज वॉट जो मुझे निकालना है वो क्या है मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज वॉट रूट 6 टाइम्स मॉड ए, दिस इज वॉट लेंथ ऑफ माई बॉडी डायगनल, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ बच्चों, चलो अब उसने क्या बोला है थर्ड पार्ट में एंगल बिटवीन फेस डायगनल एंड बॉडी डायगनल पासिंग थ्रू सेम वर्टेक्स, तो अभी जो मैंने निकाला था बेसिकली फेस डायगनल और ये जो निकाला बॉडी डायगनल, इन्हीं के बीच में एंगल निकालना है बेसिकली ये एंगल, क्योंकि दीज टू ये एक तो फेस डायगनल एक बॉडी डायगनल एंड बोथ आर पासिंग थ्रू सेम वर्टेक्स दैट इज ओरिजिन, तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए प्लस बी प्लस सी, मुझे क्या निकालना है एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी, तो अब याद करो आज की क्लास में हमने देखा है एंगल कैसे निकालते हैं कॉस थीटा इज क्या लिखा था अपन ने इधर कॉस थीटा, जैसे मुझे ए और बी के बीच में निकालना था ए डॉट बी डिवाइडेड मॉड ए मॉड बी, तो इधर क्या हो जाएगा ए का काम कौन करेगा मेरा लेट से फेस डायगनल दैट इज नथिंग बट ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इसका डॉट नेक्स्ट दूसरा वेक्टर क्या है बॉडी डायगनल दैट इज ए प्लस बी प्लस सी एंड डिवाइडेड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, गेटिंग इट, तो जस्ट यू हैव टू प्लग द वैल्यूज, हमने डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी निकाल चुका है फर्स्ट टू पार्ट्स में, एक तो रूट 3 मॉड ए आया था और एक रूट 6 मॉड ए आया, जस्ट यू हैव टू इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दो बस, ठीक है ना, टोटल 6 टर्म्स आएंगी उसमें दो तो ये होंगी ए मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और बची हुई 4 टर्म्स और होंगी ए डॉट बी ए डॉट सी बी डॉट ए बी डॉट सी, ठीक है ना, आई होप इसके बाद कर लोगे तुम लोग, जस्ट यू हैव टू प्लग द वैल्यूज, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है अगर मेंस में आता है, मतलब ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, अगर पैराग्राफ वगैरह में आता है एडवांस वगैरह में तो ही मे आस्क दिस ऑल्सो, ठीक है, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से
दिस इज सफिशियंट मैग्नीट्यूड ऑफ या फिर लेंथ ऑफ फेस डायगनल एंड लेंथ ऑफ बॉडी डायगनल. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. पॉज करो वीडियो, कॉपी करो इसको. दिस इज डन. चलो लिखो एक और. लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर दिया है बेसिकली. एंड बी इज व्हाट -1, 7, 8 देन फाइन पूरा सॉल्व नहीं करूँगा मैं, जस्ट बता दूंगा फ्लो. रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी वैक्टर ऑन ओ ए वैक्टर टू दैट ऑफ ओ ए वैक्टर ऑन ओ बी वैक्टर. ठीक है. एंड सेकेंड पार्ट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम लाइन ए बी. फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा आसान है. ठीक है. जस्ट आज हमने प्रोजेक्शन पढ़ा उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है. ठीक है. तो एक बार ट्राई करो, हम इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ. तो सॉल्यूशन पे स्टार्ट करने के पहले एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं प्रोजेक्शन क्या पढ़े थे हम आज. मैंने बोला लेट से दिस इज माई वैक्टर ए एंड लेट से दिस इज माई वैक्टर बी. सो ये जो होता था यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, दिस इज वॉट प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए अलॉन्ग वैक्टर बी या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर अलॉन्ग वाला बी के अलॉन्ग कंपोनेंट. तो इसका मैग्नीट्यूड लेंथ क्या होता था, ए डॉट बी कैप. और इसको अगर वेक्टर में लिखना है, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, मतलब ये वेक्टर लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर. ठीक है ना. तो अब वही चीज उसने बोला कि लेट से दिस इज ओरिजिन, मैंने ओ मान लिया ओरिजिन. लेट से दिस पॉइंट इज ए, तो दिस इज ए का ए वेक्टर. लेट से बी पॉइंट कहीं तो होगा, मान लिया लेट से दिस पॉइंट बी. ठीक है. तो अब उसने कहा रेशियो ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन ओ ए, तो ओ बी का प्रोजेक्शन ओ ए पर लेंथ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, मतलब वेक्टर की नहीं. तो प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी, पहले मैंने बोला इतना देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन ओ ए, तो जिसके ऊपर निकाल रहे होते हैं उसका तो यूनिट वेक्टर चाहिए होता है. तो न्यूमरेटर क्या होगा मेरा, ओ बी डॉट ओ ए कैप. दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन ओ ए एंड अपॉन टू दैट ऑफ ओ ए ऑन ओ बी. ओ ए का ओ बी पे कितना होगा, ओ ए डॉट ओ बी कैप. तो ये निकालना है बस में से, रेशियो ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन ओ ए टू दैट ऑफ ओ ए ऑन ओ बी. ठीक है. अच्छा अब मैं इसको डॉट प्रोडक्ट की तरह ओपन करता हूँ. तो दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वैक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वैक्टर इंटू कॉसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दोज टू वैक्टर्स. तो लेट से दिस एंगल इज थीटा, तो न्यूमरेटर को क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ ओ बी मॉड ऑफ ओ ए कैप इंटू कॉस थीटा. अच्छा ओ बी और ओ ए कैप के बीच में जो एंगल है, ऑफ कोर्स वही ओ ए और ओ बी दोनों सेम ही तो वेक्टर लिखे हैं. दिस इज ऑल्सो ओ बी, दिस इज ओ ए, दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी. तो एंगल्स तो यही होगा थीटा. अब डिनोमीटर पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ओ ए मॉड ऑफ ओ बी कैप इंटू कॉस थीटा. तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ओ ए कैप यूनिट वेक्टर है तो दिस इज मैग्नीट्यूड 1, ओ बी कैप मैग्नीट्यूड इज 1. तो फाइनली यू आर गेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, दैट्स इट. तो OB का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपली इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय OA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9. जस्ट सिंप्लीफाई दिस. ठीक है. दिस इज व्हाट रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन से तुम्हारा प्रोजेक्शन भी रिकॉल हो गया एक बार. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. तो फॉर दैट आई विल रब द बोर्ड, यू जस्ट कॉपी दिस पार्ट. अब देखना ध्यान से कि मेरा क्या लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम लाइन ए बी. मतलब क्या है बेसिकली, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था ना उसका लेंथ की बात चल रही है. दिस मच लेंथ इज एक्चुअली द सेकेंड पार्ट. क्या लिखा है देखो ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम लाइन ए बी, दिस एक मिनट, फ्रॉम लाइन
जस्ट अ सेकेंड, ये गलत लिखा है, फ्रॉम द लाइन ए बी नहीं होगा, फ्रॉम द लाइन ओ बी, इसको ओ बी कर लो, ठीक है ना, ओ बी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए का, ठीक है। एक्चुअली क्या बोल रहा है बेसिकली, लिख लो अगर लिखना है तो, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता है हमें क्या होता है, क्या लिखवाया था परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वेक्टर ए ये ऐसे जाएंगे तो हम ऐसे मूव करेंगे, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या लिखवाया था मैंने, वेक्टर ए माइनस इसका लेंथ दैट इज ए डॉट बी कैप इनटू बी कैप, दिस इज व्हाट माय परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज माय आंसर। यू हैव टू जस्ट प्लग द वैल्यूज। वेक्टर ए क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री कैप कैप लिख लो, चलो वेक्टर ए विल बी ओ ए ना, ओ ए वेक्टर, तो दैट इज नथिंग बट आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, एंड माय वेक्टर बी दैट विल बी माइनस आई कैप प्लस सेवन जे कैप प्लस एट के कैप। सो यू हैव टू जस्ट प्लग दीज वैल्यूज हियर एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, गेटिंग इट। चलो तो वीडियो पॉज करो और एक बार इसको कॉपी कर लो, ठीक है, हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो एक अच्छा रिवीजन हो गया हमारा इस क्वेश्चन के थ्रू अपना इसका प्रोजेक्शन का ऊपर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट लेट मी टेक इट। चलो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो एग्जाम्पल, इफ थ्री वैक्टर्स ए बी सी ऑल दी द वैक्टर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये कल ही हमने किया था, कल की क्लास में, ऑलमोस्ट क्या सेम ही है, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। थ्री वैक्टर ये लिख लो, थ्री यूनिट वैक्टर लिख लो, थ्री यूनिट वैक्टर्स, ऑफकोर्स ए बी एंड सी आर यूनिट वैक्टर्स, दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, सो यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो मैंने क्या बताया था, ए और बी के बीच में एंगल चाहिए, तो मतलब मैं क्या करूँगा, इधर ए और बी को एक साइड रखूंगा और सी को उधर लेके जाऊंगा, स्क्वायर करूंगा, उससे क्या होगा, ए डॉट बी जनरेट होगा, ए डॉट बी जनरेट होगा मतलब कॉस थीटा जनरेट होगा, ए और बी के बीच में एंगल जनरेट होगा। तो मैंने क्या किया इस इक्वेशन में, कल ही बताया था ये क्लास में, ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी, नाउ स्क्वायरिंग, तो ए प्लस बी का स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस मॉड सी का स्क्वायर, या फिर माइनस सी का स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड सी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर। अब ए प्लस ए बी सी आर यूनिट वैक्टर्स, तो ये वन और ये वन कैंसिल हो गया, एंड दिस इज वन, तो इधर से क्या आया, ए डॉट बी इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू, ये टू को नीचे ले गया, ए डॉट बी इज नथिंग बट मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, अब मॉड ए मॉड बी वन है, तो वी आर गेटिंग कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो थीटा कितना मिला मुझे, टू पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री, गेटिंग इट। और वैसे भी ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने तुम्हें, नहीं नहीं वो अलग था, ठीक है वॉट एवर, यहाँ तक क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट कॉस थीटा बाई टू, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, एक एक फॉर्मूला और हो जाएगा यहाँ मॉड ऑफ ए प्लस बी, एंड सेकेंड पार्ट दैट यू हैव टू प्रूव इज साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू हाफ टाइम्स मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। सो दीज टू थिंग्स यू हैव टू प्रूव, तो करते हैं इसको प्रूफ। तो स्टार्ट करते हैं, अब मुझे इधर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मॉड ऑफ ए प्लस बी टाइप चीज, तो मैंने क्या किया, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर लिखा, ठीक है, क्या लिखा, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, वी नो इट इज नथिंग बट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी।
अच्छा इसको एज इट इज रहने दिया बिकॉज ये चीज मुझे फाइनल जो प्रूव करना उसके एक्सप्रेशन में चाहिए. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स. तो दिस इज वन प्लस वन प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. तो वन इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. तो फ्रॉम हेयर वॉट यू आर गेटिंग टू प्लस टू कॉस थीटा. नाउ यू विल टेक टू कॉमन यू विल गेट वन प्लस कॉस थीटा. अब समझ में आया कौन सा फॉर्मूला. वन प्लस कॉस टू थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू. तो वन प्लस कॉस थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू. तो इधर से मिलेगा फोर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू. दिस इज वॉट मॉड ऑफ ए प्लस बी. अब दिख रहा है तो मॉड ऑफ ए प्लस बी अंडर रूट ले लिया तो क्या आएगा टू कॉस थीटा बाई टू. ठीक है. अच्छा कोई बोलेगा प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया सर. द रीज़न इज जो हमारा थीटा होता है दैट इज़ फ्रॉम जीरो टू पाई. तो मेरा थीटा बाई टू जो होगा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट काम आ जाती हैं. तो थीटा बाई टू होगा दैट इज़ फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू. एंड वी नो जीरो टू पाई बाई टू में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी पॉजिटिव होते हैं. तो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. टू इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और ये क्या है मैग्नीट्यूड है तो नो नीड टू पुट माइनस सी. ऑलरेडी आर एच एस इज पॉजिटिव. सो योर आंसर इज दिस ओनली दिस इज वॉट यू हैव टू प्रूफ. अब सिमिलरली इधर क्या करोगे तुम. अब देखो मैं ओरली बता रहा हूँ अगेन आई एम नॉट सॉल्विंग इट कम्प्लीटली. इधर तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर लिखोगे इसको प्रूव करने के लिए. चेंज क्या होगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी आएगा. तो माइनस टू कॉस थीटा आएगा इधर वन माइनस कॉस थीटा आएगा एंड दैट इज नथिंग बट टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. तो इधर हो जाएगा हमारा फोर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू एंड उसका अंडर रूट लेंगे तो टू साइन थीटा बाई टू एग्जैक्टली सेम. तो इधर आया हमारा वन प्लस कॉस थीटा का एप्लीकेशन दैट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू एंड इधर क्या आया वन माइनस कॉस थीटा दैट इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. क्लियर हुआ बच्चों. चलो आगे बढ़ते हैं. पॉज करो वीडियो इसको कॉपी कर लो. लिखो सिंपल एक और क्वेश्चन सिंपल. फाइंड दिस एनसीईआरटी के लिए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर. फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर किस कौन सा वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन द वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप. तो सिंपली इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालना है. तो लेट्स से दिस इज माय a दिस इज माय b. तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है a डॉट b कैप और क्या निकालना है प्रोजेक्शन. फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर मतलब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है. तो क्या सिंपली a डॉट b कैप इज द माय आंसर. अब कर लेना i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप दिस इज a एंड b कैप इज 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर चाहिए. तो 49 प्लस 1 प्लस 64 जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई इट. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं कॉपी करते जाना. चलो ये भी एक ठीक क्वेश्चन है. लिखो थोड़ा क्वाड्रेटिक. इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस एक्स माइनस वन जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज एक्स प्लस वन आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए टाइम्स के कैप. ए कोई स्केलर है ए के कैप. मेक एन एक्यूट एंगल इफ वेक्टर ए एंड बी makes an acute angle for all x belongs to real number for all x belongs to r x kuch bhi dalo these two are making always making an acute angle then find the values of a then find the range of values of a then find allowed values of a aise likh lo allowed values of a ya fir range of values of a allowed values of small a. theek hai karo ek bar pause karo. अब आते हैं इसके की पॉइंट पे मतलब मेन कौन सा चीज नोटिस करने वाली बात है इस क्वेश्चन में एक्यूट एंगल. अब सोचो हम एक्यूट ऑब्ट्यूज वगैरह कहाँ देखे थे हम डॉट प्रोडक्ट में. जस्ट जब मैंने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन दी थी उसके बाद नोट लिखवाया था कि अगर ए डॉट बी पॉजिटिव है दैट मीन्स एक्यूट एंगल इफ ए डॉट बी नेगेटिव है दैट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल. तो वही चीज़ है हमारी. तो इसको देख के हम क्या बोलेंगे अगर ए और बी एक्यूट एंगल बना रहे हैं दैट मीन्स ए डॉट बी हैज टू बी greater than zero. If A and B makes acute angle with each other, then A dot B is positive. तो A dot B ले लेते हैं. तो A dot B लोगे तो इसका I का component इसके I के साथ तो x into x plus 1
प्लस जे कंपोनेंट एक्स माइनस वन इंटू वन प्लस के कंपोनेंट वन इंटू ए ग्रेटर देन जीरो. तो इधर से क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स तो टू एक्स माइनस वन प्लस ए तो प्लस ए माइनस वन ग्रेटर देन जीरो. अब क्या करें यहाँ तक तो आया. नाउ कम्स द एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक. अब जस्ट सी कि ये मेरा क्या है. दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स. दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स. अब मैंने बोला कोई क्वाड्रेटिक है वो हमेशा पॉजिटिव है. हमेशा पॉजिटिव है दैट मीन्स वॉट इट इज अबव एक्स एक्सिस. मतलब इसका ग्राफ जो है वो हमेशा इस टाइप का होना चाहिए. और ये कब होता है. ये कब होता है व्हेन डी इज नेगेटिव. तो व्हाट यू हैव टू फाइनली इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी नेगेटिव. देन ओनली दिस इज द पॉसिबिलिटी बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है. तो पैराबोला तो अपवर्ड है बट उसने बोला ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. एक्स कुछ भी डालू दैट मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी नेगेटिव. तो बस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो फोर माइनस फोर टाइम्स ए माइनस वन लेस देन जीरो. बस इसको सॉल्व कर लेना तुम. ठीक है ना. यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस. नहीं तो कर ही देता हूँ छोड़ो. वन माइनस ए प्लस वन लेस देन जीरो. तो इधर से आया ए ग्रेटर देन टू. सो आंसर इज अलाउड वैल्यूज ऑफ ए इज ग्रेटर देन टू. मतलब ऐसे बोल सकते हैं मैथमेटिकली ए बिलोंग्स टू ग्रेटर देन टू है तो ओपन ब्रैकेट टू कॉमा इन्फिनिटी. दिस इज द आंसर अलाउड वैल्यूज ऑफ ए. ए इसमें कुछ भी रखो इस इंटरवल में से कोई भी ए की वैल्यू उठा के रखो इधर. देन फॉर ऑल रियल एक्स वॉट यू विल गेट एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड बी. क्लियर है. तो एक अच्छा क्वेश्चन था. द रीजन इज थोड़ा सा क्वाड्रेटिक भी यूज हो गया है. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. कॉपी करते जाना. देखो इफ ए डॉट आई कैप इज इक्वल टू ए डॉट आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू ए डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट प्लस के कैप देन फाइंड यूनिट वेक्टर ए. देन फाइंड यूनिट वेक्टर ए निकालो. बहुत सिंपल है. बहुत ही ज़्यादा आसान है ये तो. ठीक है ना. बहुत ही ज़्यादा आसान है. करते हैं. तो मैंने मान लिया वेक्टर ए को एज्यूम कर लिया. लेट्स से इट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. और सिंस इट इज यूनिट सो वी नो आफ्टर राइटिंग दिस वी विल ऑल्सो से वेयर माई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वन. मैंने एज्यूम किया ए को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. और फिर मैंने बोला अलॉन्ग विद दैट आई शुड राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वन. द रीजन इज दिस इज अ यूनिट वेक्टर. ठीक है. अब मैंने इक्वेशन रख देते हैं. तो अब बेसिकली ध्यान चलो करते हैं. ए डॉट आई कैप क्या होगा. इसका आई कैप के साथ डॉट मैं लिख लेता हूँ. चलो ए डॉट आई कैप इज इक्वल टू तो इधर हो जाएगा एक्स इज जे जीरो जे जीरो. तो एक्स ये मेरा एक्स आया. फिर ए डॉट आई कैप प्लस जे कैप. तो अब मैं इसका आई कैप जे कैप के साथ ले लेता हूँ. आई कैप प्लस जे कैप के साथ डॉट तो क्या मिलेगा. चलो एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं. एक मिनट. चलो और भी आसान तरीका है वैसे इसको लिखने का. इसी इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली. देखो क्या लिखा है ए डॉट आई कैप इज इक्वल टू ए डॉट आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप. तो ए डॉट जे कैप जीरो है. इसका मतलब ए का प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो. क्योंकि ए डॉट जे कैप क्या बनाता है बताता है ए का प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस. अगर मैंने अब ए को ये माना दैट मीन्स वाई इज जीरो ऐसे बोल लो. या फिर इसका डॉट ले लो तुम जे के साथ. तो ए डॉट जे इक्वल्स टू जे के साथ लिया तो ये जीरो इधर आएगा वाई और इधर जीरो. तो वाई इज ए डॉट जे एंड वी नो इट इज जीरो सो वाई इज जीरो ऐसे बोल दो. अब मैंने क्या किया अब इन दोनों इक्वेशन से तो ए डॉट आई इधर से मेरा क्या मिला ए डॉट आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप इज इक्वल टू ए डॉट आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप प्लस ए डॉट के कैप. तो अगेन ये तो कैंसिल हो गए एंड वी आर गेटिंग ए डॉट के कैप इज जीरो एंड दैट इज नथिंग बट माई जेड. सेम तरीके से तो जेड इज इक्वल टू जीरो. तो फाइनली मेरा वैक्टर ए किसमें रिड्यूस हो गया. इट इज एक्स आई कैप एंड वी नो इट इज अ यूनिट वैक्टर दैट मीन्स वॉट एक्स कैन बी प्लस माइनस वन. तो फाइनली माई आंसर इज वैक्टर ए इज प्लस माइनस आई कैप. वैक्टर ए इज प्लस माइनस आई कैप. ठीक है बच्चों चलो तो वीडियो पॉज करो इसको कॉपी करो आगे बढ़ते हैं. मे बी तुम लोगों को फास्ट लग रहा हो बट रियली फास्ट नहीं है. थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो इसलिए मैं थोड़ा
थोड़ा सा स्पीड में, ज़्यादा फास्ट नहीं। अब देखना, मैंने बोला प्रूव दैट, चलो ये इंटरेस्टिंग, प्रूव दैट, इसको ट्राई करना, प्रूव बाय वेक्टर मेथड। वेक्टर से मुझे प्रूव करना है, वेक्टर मेथड। इसको ऑलरेडी हमने दो तरीके से प्रूव किया है। पहले क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। प्रूव दैट कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस इक्वेशन को हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, मतलब ये बोल लो या फिर साइन ऑफ ए प्लस बी को बोल लो, उसको हमने दो तरीके से किया था, एक तो कॉम्प्लेक्स की मदद से और एक ट्रिग्नोमेट्री में किया था। ठीक है, वो डायग्राम वाइग्राम बना के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जो कॉम्प्लेक्स से जो किया था हमने दैट वॉज ईजी। ठीक है, बट अब मुझे क्या करना है, वेक्टर मेथड यूज़ करना है। तो कैसे करें हम, देखो ध्यान से, प्रूफ बाय वेक्टर मेथड डेट कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो मैंने मान लिया एक्स वाई प्लेन, लेट से लुक एट हियर, मैंने बोला लेट से दिस इज माई एक्स वाई प्लेन, लेट से दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। मैंने एक यूनिट वैक्टर लिया ओ पी, ओ दिस पी दिस, दिस इज अ यूनिट वैक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी इज वन, एंड लेट से दिस इज ओ पी इज मेकिंग एन एंगल ए विद द एक्स एक्सिस। सिमिलरली एक मैंने और वैक्टर लिया पी, सॉरी क्यू, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल वी, एंड अगेन दिस इज यूनिट वैक्टर, तो ओ क्यू मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वन। क्या किया अल्टीमेटली मैंने, एक्स वाई प्लेन पे दो वैक्टर, दो यूनिट वैक्टर्स लिए, एक ओ पी एंड एक ओ क्यू। ओ पी इज मेकिंग एन एंगल ए एज शोन इन द डायग्राम, एंड सिमिलरली ओ पी इज मेकिंग एन एंगल बी एज शोन इन द डायग्राम। अब मैंने बोला कि कैन यू राइट ओ पी वैक्टर इस डायग्राम के मदद से, ओ पी वैक्टर क्या होगा, कैन आई से इफ दिस एंगल इज ए, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला लेंथ वन इंटू कॉस ए दैट इज कॉस ए, एंड दिस मच लेंथ इज वन इंटू साइन ए दैट इज साइन ए। तो मैं ओ पी वैक्टर को, ओ पी के कॉर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कॉस ए कॉमा साइन ए, तो वट इज माई ओ पी वैक्टर, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप। ठीक है ना, अगर किसी पॉइंट के अगर कॉर्डिनेट्स 1, 2 हैं तो उसको वैक्टर कैसे लिखते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप। सिमिलरली अगर इस पी पॉइंट के, इस डायग्राम के हिसाब से कॉर्डिनेट्स आर कॉस ए कॉमा साइन ए, सो माई ओ पी वैक्टर विल बी कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप। सिमिलरली अब तुम लोग लिखो ओ क्यू वैक्टर। अब मुझे पता है कि ओ क्यू इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वाई कॉर्डिनेट तो नेगेटिव होगा, तो ये तो कॉस ए ही है, तो ये तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए आई कॉस सॉरी नॉट कॉस ए, दिस एंगल इज बी, तो दिस लेंथ विल बी कॉस बी, ये लेंथ, तो ये हो जाएगा कॉस बी आई कैप, और सिंस ये, और ये लेंथ कितना हो जाएगा साइन बी, एंड सिंस इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस साइन बी जे कैप। ठीक है, अब हम क्या करें, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इधर क्या आएगा, ओ पी डॉट ओ क्यू वैक्टर इज इक्वल टू, अब देखना ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो इस कॉस ए का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और आई का जे के साथ तो जीरो हो जाएगा, फिर मेरा साइन ए के, इस जे का इस आई के साथ जीरो, और साइन ए का इस साइन बी के साथ, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, अब ओ पी डॉट ओ क्यू क्या होगा, अब वी नो ओ पी इज अ यूनिट वैक्टर, तो मैं से लिख रहा हूँ, ओ पी मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ क्यू इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ओ पी एंड ओ क्यू। अब डायग्राम से दिख रहा है ओ पी और ओ क्यू के बीच में एंगल इज ए प्लस बी, तो दिस कॉस ऑफ ए प्लस बी, एंड दैट इज नथिंग बट ये वाला पार्ट। तो एंड ओ पी और ओ क्यू तो यूनिट वैक्टर लिए थे मैंने, तो ये वन ये वन, तो फाइनली वी आर गेटिंग कॉस ऑफ ए प्लस बी, जो मुझे प्रूव करना था, इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है, ओके चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रब कर रहा हूँ मैं। चलो अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, अभी तक बहुत बेसिक था, अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक दिस, कि हमने कर लिया है, ठीक है, जितना क्वेश्चन हो सकता है उतने कवर कर रहा हूँ, बाकी मैं तुम लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा, जस्ट रिमाइंड मी, ठीक है ना, मेरे पास और भी क्वेश्चन है, को सारे क्वेश्चन कराना क्लासमेट इज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज हमारा पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा, तो कुछ क्वेश्चन आई विल गिव यू एज अ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले एक क्वेश्चन करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, इफ दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इफ ए प्लस नॉट वेक्टर, इट इज सिंपली स्केलर, ए प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ, देन फाइंड लीस्ट
वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका लीस्ट वैल्यू निकालना है, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसने हमें दे दिया ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इज फोर। अब रिकॉल करो, हमने कहीं किया है क्या ऐसा क्वेश्चन, मतलब कॉल रिकॉल करो, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ सेम क्वेश्चन हमने कहीं किया है किसी चैप्टर में। अब वही क्वेश्चन पहले तो मैं पुराना वाला मेथड बता देता हूँ और फिर मैं बताऊँगा वेक्टर की मदद से हाउ टू प्रोसीड, ठीक है। तो हमने किया था इन सीक्वेंस सीरीज चैप्टर, टॉपिक का नाम था लास्ट से लास्ट में कॉची थियरम, याद आया कॉची इनइक्वालिटी। क्या था हमारा इनइक्वालिटी, क्या था, ऐसा था ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन स्क्वायर, याद आया कुछ, इन टू ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर एंड सो ऑन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए वन बी वन, एक काम करो इसको, ये बी वन है, बी वन है, बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर अप टू बी एन स्क्वायर, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू एंड सो ऑन इसका स्क्वायर, याद आया कुछ। अब क्या करें, ए वन ए टू ए थ्री तो मेरे ए बी सी हो गए, एंड बी वन बी टू बी थ्री मेरे वन टू थ्री हो गए। ऐसा क्यों ले रहा हूँ, द रीज़न इज ऐसा लेने से मेरा ये वाला जो पार्ट है ना वो एग्जैक्टली ये चीज़ बन जाएगी। वॉट आई एम सेइंग इज टेक ए वन इज इक्वल टू ए, ए टू इक्वल्स टू बी, ए थ्री इक्वल्स टू सी, एंड बी वन इक्वल्स टू वन, बी टू इक्वल्स टू टू, एंड बी थ्री इक्वल्स टू सी थ्री। वेन यू पुट दिस वैल्यू यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन इन द आर एच एस, सो हम उसका डायरेक्टली वैल्यू फोर उठा के रख देंगे। चलो रखते हैं, तो फ्रॉम हियर व्हाट यू गेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी वन स्क्वायर, तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए वन बी वन, मतलब ए इंटू बी वन ए प्लस बी इंटू टू टू बी प्लस सी इंटू थ्री थ्री सी इसका स्क्वायर। नाउ यू कैन सी हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी का स्क्वायर, मतलब फोर का स्क्वायर। इसलिए तो मैंने लिया था बी वन बी टू बी थ्री, सो दैट ये चीज़ जनरेट हो जाए। तो इट इज़ 16 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 बाय 7, तो माय लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज 8 बाय 7। किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू इज 8 बाय 7, गॉट इट। चलो अब हाँ, अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पे, इसी क्वेश्चन को वेक्टर से सॉल्व करेंगे, बट ये सॉल्यूशन भी तुम लोग कॉपी करो, ठीक है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसको देख के कुछ फील आ रही है, ए टू बी थ्री सी, एक तरीके एक चीज़ तो ये है कि मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है, तो कैन यू रिलेट, अगर कि मेरा वेक्टर अगर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो ये चीज़ हो रही है। मैंने बोला कि अगर मैंने वेक्टर ए एक कोई वेक्टर ए ले लिया, लेट्स से कैपिटल ए, दिस इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और एक मैंने वेक्टर बी लिया आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, मतलब ये एज्यूम कैसे कर पा रहा हूँ मैं विद द गिवन इन्फॉर्मेशन, मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स इस वेक्टर के हिसाब से मुझे क्या चाहिए, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू। और इधर वन टू थ्री लेने से क्या हुआ कि इफ आई विल टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू देन दिस टाइप ऑफ थिंग विल बी जनरेटेड, बिकॉज इफ यू टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वट यू विल गेट ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, तो बस हमारा ये इन्फॉर्मेशन भी यूज हो जाएगी। तो मैंने कहा टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, और ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, दिस इज फोर। तो कॉस थीटा इधर से क्या आया, फोर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, अच्छा एक काम करो ठीक है, मॉड ऑफ ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, और मॉड ऑफ बी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, एंड वी नो कॉस थीटा है तो इट इज लेस देन इक्वल्स टू वन, या फिर स्क्वायर करके बोल दो कि चलो स्क्वायर करके बोल देते, ये ऐसा आया ना, वॉट इज कॉस स्क्वायर थीटा, सो देट अंडर रूट वगैरह हट जाए, तो इट इज 16 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड दिस विल बी 9 प्लस 1 10 प्लस 14, एंड वी नो कॉस स्क्वायर थीटा है तो ऑफकोर्स इट इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल्स टू वन। तो इधर से मेरे को क्या आया, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ये उधर जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 बाय 14, एंड दैट इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 बाय 7, सो आंसर इज 8 बाय 7। ठीक है बच्चों,
तो अपन एक काम करते हैं, आज का लेक्चर अभी एंड अप करते हैं, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं वैसे, तो मैं सोचता हूँ कि उसको लेक्चर में ना लेके मैं उसको डाउट सेशन में ले लूँ, ठीक है ना? और तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बिकॉज उससे तुम्हें भी खुद को ट्राई करने का टाइम मिलेगा, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे, और अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर. ओके, थैंक यू.